पर आज हम एक ऐसे स्पीकर की अनबॉक्सिंग करेंगे जो कि है इडियट प्रूफ। तो आज हमारे पास बोट का एक छोटा सा पोर्टेबल स्पीकर जिसका यहाँ पे नाम लिखा हुआ है स्टोन 200। तो बॉक्स बड़ा सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है, पीछे दिखा हुआ है शॉक प्रूफ, वाटर प्रूफ और इडियट प्रूफ। किसको इडियट बोलना है पता नहीं। यहाँ पे मेन स्पेसिफिकेशन है, जैसे ब्लूटूथ स्पीकर है, 3 वॉट का ये स्पीकर है और 10 घंटे तक बैटरी बैकअप देगा, वो तो टेस्टिंग के बाद पता चलेगा। और इसमें कुछ नहीं, नीचे प्राइस लिखी हुई 3000 की, बट ये आपको मिल सकता है 1000 से 1500 के बीच में अकॉर्डिंग टू द सेल ऑफर। तो ना बड़ा सिंपल सा बॉक्स है ये, आगे कार्तिक भाई बने हुए हैं अपने। ओके, इस तरीके से ये बॉक्स खुलेगा और इसके बाद ये कुछ कंट्रोल सिस्टम वगैरह स्पीकर रखा हुआ। चलो इसको साइड में, इसके बाद आपको मिलता है इसमें ये लीफलेट कुछ अलग अलग प्लेयर्स की और इनके बाकी शायद कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उन चीज़ को रखो साइड में। यहाँ पे कुछ ये वारंटी वगैरह का, इसको भी साइड में। बॉक्स में इसके अलावा आपको 2 केबल और मिलेंगी, ये यहाँ पे एक चार्जिंग केबल है और इसके अलावा दूसरी आपको मिलती है ऑक्स केबल। तो इन सबको साइड में रखते हैं, मेन आते हैं अपने स्पीकर की तरफ। तो अपना स्पीकर बाबू इस तरीके से है, एक ग्रिल है, आवाज़ सुन सकते हो, ग्रिल है, ये पीछे भी ग्रिल है। उसके बाद एक काफ़ी टक्टाइल सी बॉडी है। इसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है हैंगिंग के लिए, क्या भाई छोटा सा है, आप देखो इतना बड़ा सा ये हाथ में है तो कितना छोटा सा स्पीकर है ये, लेकिन मोटा काफ़ी है, भारी भी है, 3 वॉट का स्पीकर लगता नहीं इसके अंदर होगा। और इसके अलावा ये एक बैंड है छोटा सा, यहाँ पे आप देखिए ये एक आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ ऑक्स के लिए आपको मिलता है एक चार्जिंग पोर्ट मिलता है, ऊपर आपके ये बटन्स हैं पावर वाली, वॉल्यूम लेस, वॉल्यूम प्लस, और ये कॉल वॉल के लिए भी है, तो इसमें कॉल का भी आपको ऑप्शन दे रहे हैं, कॉल कर सकते हो। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा कुछ खास। आई थिंक इसमें बेस के लिए अलग से है या नहीं है पता नहीं, देखना पड़ेगा, वो तो टेस्टिंग के टाइम है। तो ऑन करते हैं फटाफट, कुछ चूज है या नहीं। ओके, तो ये आगे की तरफ है, तो आप देखें LED इंडिकेटर ना ब्लिंक हो रहा है, यानी पेयरिंग मोड में है। तो पेयर करके मिलते हैं आप स्टोन 200। मैं इसमें कनेक्ट करूँ और जैसे ही कनेक्ट किया तो एक आवाज़ आती है जो कि आपने सुनी। महसूस यही होता है हर मुलाकात पे, महसूस यही मुझसे कुछ दे। चलो कुछ आपको साउंड के बारे में आइडिया मिला होगा, लेकिन अगर थोड़ा और मिड्स एंड हाई चेक करते हैं तो एक और सॉन्ग प्ले करके चेक कर लेते हैं। दिल ये फिसला 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 तेरे गोरे बदन पे फिसला, तेरे गुलाबी होंठों को देख मैं तो पिघला पिघला पिघला, तुझको ले जाऊंगा बीच में, रानी आंखें मीच के ठंडे ठंडे बियर पियेंगे दोनों फोटो की, गोवा वाले बीच में रानी आंखें आंखें मीच के आंखें मीच के आंखें मीच के हर हर। ये तो हो गए 2 सॉन्ग जो कि मैंने प्ले करे। अब देखिए कि जो भी आप वॉइस या फिर जो भी आप सुन रहे हो वो हमेशा 100% वैसी नहीं होती जैसी आपको सुनाई दे रही होती, क्योंकि हमेशा से ज़रूरी नहीं मेरा माइक्रोफोन जो इसकी आवाज़ ले रहा हो या जो स्पीकर हेडफोन XYZ जिससे आप ये सुन रहे हो वो उतनी एक्यूरेट आवाज़ या वॉइस को निकाल रहा हो। तो जो भी आप स्पीकर का रिव्यू कभी भी देखते हो तो हमेशा ये याद रखिए, जो भी आपको वॉइस सुनाई दे रही है या जो भी आपको एक्चुअल वॉइस लग रही है ना, वो 80% या 70% ही होती है, वो कभी 100% नहीं होती। तो ओवरऑल ये है कि ये स्पीकर काफ़ी अच्छा है, एक ट्रिप पे आप जा रहे हो काफ़ी हैंडी है, पंजी टाइप का छोटा सा है। कलर इसमें वेरिएंट 3 आते हैं, ब्लैक, ब्लू और एक ऑरेंज या रेड टाइप का कलर होता है, आप येलो मान लो रेड मान लो एक ही बात है। ऐसा कुछ खास बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, थोड़ी अगर लाउड एरिया में आप हो तो इसकी आवाज़ शायद आपको इतनी अच्छी ना सुनाई पड़े, डिपेंड करता है क्या चीज़ आप प्ले कर रहे हो, उसकी भी वॉइस कितनी ज़्यादा उन्होंने अपलोड कर रखी है उसके ऊपर भी। तो खैर एक ओवरऑल 1500 रुपये 1000 रुपये मिलता है स्पीकर, तो ठीक है, ऐसा कोई ऐसा सच नहीं है कि कोई दिक्कत है, बोट का स्पीकर है।
तो यही था स्पीकर, कैसा लगा आप वो बताइए मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में। हाँ, कोई और इससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई सवाल हो, सुझाव हो, या जो भी जवाब हो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए। इसके अलावा और भी मैंने काफ़ी सारे स्पीकर्स का रिव्यू किया हुआ है, तो आप देखिएगा आई बटन में आपको सारे मिल जाएंगे।